सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश यदुवंशी, कलश सीट चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। आज हम एक पोली हाउस के अंदर हैं और हम हमारे किसान भाई से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले आपका नाम बताइए। गणपत सिंह भाटी। कहाँ के रहने वाले हो सर? विजयनगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। राजस्थान। तो आपने सर यहाँ पर ये पोली हाउस के अंदर ये खीरा लगा रखा है जी। ये कौन सी वेरायटी आपने लगा रखा? कलश का है सर। कलश की वेरायटी है। कौन सी वेरायटी है ये? 16-14। तो आपने ये सब कब लगाई है वैरायटी? इसको लगाए हुए 2 नवंबर को लगाया हमने जी। हाँ। और 2 जनवरी को इसको 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे जी। हाँ। और इसकी 3 बार हमने कटिंग कर ली है इसकी तोड़ाई हो और कल हमारी 4थी बार इसकी तोड़ाई हो जाएगी। तो आपको कैसा लगा सर ये वैरायटी? बिल्कुल ऑल ओवर सब अच्छा है इसके अंदर। इसका साइज, इसका जो फ्लावरिंग वगैरह है, इसका जो ग्रोथ लेने का, इसका बढ़ने का जो है, वो सब कुछ है जो बिल्कुल परफेक्ट साइज है इसकी। तो आपके हिसाब से ये वैरायटी कलश कंपनी की अच्छी है? बिल्कुल सर। पोली हाउस के लिए बिल्कुल। तो आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहेंगे सर कि इसको लगाना चाहिए। प्राइस वाइज भी अच्छा है, प्रोडक्शन वाइज भी अच्छा है, और सबसे अच्छा है कि डिजीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कम खर्चे के अंदर अच्छा प्रोडक्शन है कुल मिलाकर जी। हाँ। तो आपने जैसे दूसरी वैरायटियां भी लगा रखी उनसे बेटर है जी? अच्छा है, उनसे अच्छा है। उनका उनका प्राइस जस्ट इससे डबल है और परफॉर्मेंस करीब करीब ठीक है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका प्राइस अच्छा है वैसे। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हम अभी यहाँ विजयनगर और डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान के अंदर हैं, यहाँ हमारे किसान से हम बात कर रहे थे। उनका कहने का मतलब है यहाँ पर उन्होंने कलश सीड कंपनी का ये 16-14 खीरा लगाया है जो सीडलेस पार्थेनो खीरा है। ये किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो विजिट कर रहे हैं पोली हाउस के अंदर कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर दूसरी कंपनी के खीरे भी लगाए हैं, लेकिन यहाँ जो कलश का 16-14 वेरायटी है बहुत ही शानदार वेरायटी है किसान भाइयों। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। भैया इधर से दिखाओ, जो इसका फ्रूट है बहुत ही शानदार, एकदम शाइनिंग बहुत प्यारी है इसकी। अगर फल की हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 13 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आती है। बहुत चमकदार, बहुत ही अट्रैक्टिव डार्क ग्रीन कलर का फ्रूट है। ये वैरायटी किसान भाइयों मल्टी फ्रूटिंग वैरायटी है, लेकिन मैंने यहाँ पोली हाउस में देखा है तो किसान भाई के कहने के अनुसार ये जैसे जैसे नीचे से फल स्टार्टिंग वो सिंगल फ्रूट आ रहे हैं, लेकिन 4-5 तोड़ाई होने के बाद इसमें मल्टी फ्रूटिंग स्टार्टिंग हो रहा है। जैसे ऊपर अपन देख रहे हैं तो यहाँ बाद में इसमें ये, आज हम दिनांक की बात करते हैं किसान भाइयों, तो आज दिनांक है 30 दिसंबर 2023 और 2 जनवरी को इस खीरे को लगभग कंप्लीट 2 महीने किसान को हो जाएंगे और 3 तोड़ाई किसान इसके अंदर कंप्लीट कर चुका है। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों, ये किसान के विश्वास पर अभी तक खरी उतर रही है। आप ओपन फील्ड, ग्रीन हाउस और पोली हाउस के अंदर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। साल में कभी भी आप लगा सकते हैं। अगर ये आप इसको, जैसे किसान भाई हमारे कह रहे हैं गर्मी में अपन इसको लगाते हैं तो इसके अंदर मल्टी फ्रूटिंग पूरे बेल के अंदर आएंगे, लेकिन अगर आप सर्दी महीने के अंदर लगा रहे हो इसको तो स्टार्टिंग में 4-5 तोड़ाई आपके सिंगल फ्रूट आएंगे, उसके बाद मल्टी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाई। और दूसरा हमारे किसान भाई बोल रहे हैं कि अगर इसके रेट की अपन बात करें तो 3.5-3.5 रुपये का इसका रेट है पर सीड का। अगर अपन दूसरी कंपनी से कंपेरिजन करते हैं तो ये आधे रेट से भी बहुत ही कम रेट में किसान भाइयों को ये बीज आपके भारत की स्वदेशी कंपनी का किसानों को मिल रहा है। तो कलश कंपनी का 16-14 खीरा किसान भाइयों को लगाना चाहिए, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो आपको और कुछ कहना था हमारे किसान भाइयों के लिए? बस यही है सर कि इसका जो इसका नोट जो है जी हाँ, जो इसका ये नोट से नोट जो है हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है। कहीं पर भी इसका 2-3 इंच से ऊपर ज्यादा इसका वो पास में नहीं है। बहुत सारे क्रॉप में, बहुत सारे इस वैरायटी में क्या होता है कि जो नोट टू नोट जो इनकी जो दूरी होती है ये कम से कम 5 से 6 इंच तक चली जाती है, लेकिन इसकी परफेक्ट नोट आ रही है 2 इंच 2.5 इंच कहीं 3 इंच। तो ये इस हिसाब से भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बेस डिजेक्ट लगा के देखें किसान भाई। हमारे किसान भाई का कहने का मतलब इंटरनोड डिस्टेंस जो है इसका है, नोट टू नोट का जो दूरी है वो बिल्कुल परफेक्ट 1.5 से 2 इंच का दूरी यहाँ पर आ रहा है। तो ये वैरायटी किसान के हिसाब से पूरी तरह से परफेक्ट वैरायटी है। अगर अदर कंपनी का अपन पार्थेनो खीरा देखते हैं तो उसका नोट टू नोट डिस्टेंस जो ज्यादा आता है, तो आपके प्लांट की हाइट है जो कम रहेगी, जिससे आपको नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा मिलेंगे। धन्यवाद सर किसान भाई।